वो अगर कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं हम आप भी करते हैं तो गिरफ्तार होते हैं मैं उस शैतान का नाम भी ले लेना चाहता तो के शान में गुस्सा भी हमको बर्दाश्त नहीं होती आज यहाँ शहरियान गुलबर्गा के तमाम नौजवान बुजुर्ग साथियों और जितने भी आखिने आमदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम को चाहने वाले हैं तमाम लोग रोज़ा पोलिशन के पास जमा हुए हैं मैं उस शैतान का नाम भी लेना चाहता कि तो उस शैतान के जो है ना एफ करने के लिए यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं और आज ऐसा नहीं कि एहतजाज नहीं हो रहा है हर जगह एहत हो रहा है दिल में गम है लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है एक जमहूरियत मुल्क है यहाँ का एक ख़ानून है हमको उस ख़ानून को जो है ना हाथ में नहीं लेते हुए हमने काम कर रहे हैं सबर से हम काम ले रहे हैं ऐसा नहीं कि यहाँ का मुसलमान खामोश नहीं है लेकिन जज्बाती है लेकिन उस जज्बात को कंट्रोल में रखा है क्योंकि ऊपर एक ऐसी हुकूमत हमारे पास बैठी हुई है कि हम जरा भी कुछ करते हैं तो जो है ना हमारे लिए जेल होती है वो अगर कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं हम आप भी करते हैं तो गिरफ्तार होते हैं तो इस वजह से जो है ना हमको सोच समझ कर जो है ना कदम उठाना पड़ता है अपने जज्बात को काबू में रखते हुए हमको काम करना पड़ता है लेकिन उतने उसके बावजूद भी जो है ना इतने लोग यहाँ पर जमा होकर एक एफ आई आर करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं जो भी गुस्सा के शान के कुछ करेगा तो वो अल्लाह ताला जो है ना उसको कहीं ना कहीं उसको जो देंगे लेकिन सजाएं देंगे लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है बीजेपी सरकार है हर ढंग से जो है ना मुसलमानों के खिलाफ कौन सी रचना है वो लोग रच रहे हैं वो लोग कानून के खिलाफ तो चल जाता है लेकिन हम कानून के खिलाफ करते नहीं क्योंकि हम भी एक ईमान वाले हैं जो भी कानून है उसके हिसाब से हम काम करेंगे इन ज़रूरत पड़ी क्योंकि हुजुर्ण के हुजुर्ण के शान में गुस्सा की हमको बर्दाश्त नहीं होती लेकिन यहाँ के कानून है जरा कुछ बोल के जो ना एक चार लोगों को मारने के लिए जो दूसरे दिन सुबह पुलिस आके फूलों को उनके खानदान वालों को अरेस्ट करके जेलों में डालती है क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से हमको चलना पड़ता है इस वजह से हम और सबराम से काम ले रहे हैं इन शाला तला जो भी हमारा गुस्सा है जज्बात तो है गवर्नमेंट को बता रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि उसको अरेस्ट करे उसको उस कड़ी सी कड़ी सज़ा दे इस तरह कहते हुए अपनी जगह लेकर